क्या आपने कभी सुना है कि जेल जाने के लिए भी होड़ मच सकती है? लेकिन ऐसा हुआ है। दिल्ली में तिहाड़ जेल जाने के लिए कैदियों में होड़ मची हुई है। पूरे अनुशासन और सभ्य तरीके से बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी लाइन लगाए हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये कैदी देश भर से दिल्ली के तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल कैदियों की इस लंबी लाइन के पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक अल्टीमेटम है जिसकी समय सीमा आज खत्म हो रही है। ऐसे में पुलिसिया सख्ती से बचने के लिए देश भर के अपराधी तिहाड़ जेल के बाहर जमा हो गए हैं। बता दें कि कोरोना की पहली लहर के दौरान संक्रमण का खतरा कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई कैदियों को जमानत या पैरोल पर रिहा किया था। ऐसा जेल से भी भीड़ को कम करने के लिए किया गया था। ये कैदी पिछले 2-3 साल से जेल से बाहर चल रहे थे। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी कैदियों को सरेंडर करने के आदेश दिए थे। उन्हें 15 दिन का समय दिया गया था जिसकी समय सीमा आज खत्म हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन में सरेंडर करने के लिए कहा गया था सभी कैदियों से। इसे लेकर तिहाड़ जेल के बाहर लंबी कतारें कैदियों को देखने की मिल रही है। कैदी अपने आप जेल पहुंच रहे हैं। बता दें कि कोरोना काल में इन कैदियों को पैरोल पर बाहर छोड़ दिया गया था ताकि जेल में किसी तरह की भीड़भाड़ ना हो, और 2 या 3 साल बाद ये कैदी वापस नहीं आ रहे थे, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से अल्टीमेटम दिया गया और अब सभी कैदी बाहर लाइन लगाकर सरेंडर करने पहुंचे हैं। तो वहीं भाजपा महानगर महिला मोर्चा के बैनर तले आगरा की मातृशक्ति ने पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का नॉर्थ विजयनगर कॉलोनी में स्वागत किया। बता दें कि भाजपा महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष उपमा गुप्ता एवं उनकी टीम ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को चांदी का मुकुट और राम दरबार की भव्य प्रतिमा भेंट कर उनका हार्दिक स्वागत किया। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोषों से सभागार गूंजता रहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अपना उद्घोषण देते हुए डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि शक्ति का प्रतीक हमारी माता बहनें देश और प्रदेश के विकास की प्रतिमूर्ति रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत और भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि मातृशक्ति है। इसलिए हमारे देश की राष्ट्रपति ऐसी महिला हैं जिन्होंने संघर्ष के बलबूते पर अपना सर्वोच्च मुकाम हासिल किया है। जब जन्म होता है ना तो हरि के नाम के साथ, और जब मृत्यु होती है तो हरि धाम में जाता है आदमी। और इस बीच में जो कुकृत्य करता है उसका परिणाम उसको इसी पृथ्वी पर मिलता है। राम राम तो कणकण में व्याप्त हैं, और राम को हवा में कौन करेगा? हवा का संचालन भगवान राम के नाम से होता है। वहीं कुशीनगर में स्वास्थ्य विभाग का अजीब गरीब कारनामा सामने आया है। आरोप है कि जिस एटीएम हेल्थ मशीन का 30 सितंबर 2022 जिला अस्पताल के एमसीएच विंग में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उद्घाटन किया था, उसी हेल्थ एटीएम मशीन का समौर बाजार स्थित सीएचसी पर दोबारा स्वास्थ्य विभाग ने देवरिया सांसद राम त्रिपाठी के हाथों दोबारा उद्घाटन करा दिया। तो वहीं एक ही हेल्थ मशीन का स्वास्थ्य विभाग की ओर से दो बार उद्घाटन कराना आम लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुशीनगर स्वास्थ्य विभाग की इस कार्यस्थानी को लोग सत्ताधारी दल के नेताओं को खुश करने की कवायद मान रहे हैं, जिससे सत्ता पार्टी के नेता विभाग की कारगुजारियों पर कोई सवाल न खड़ा करें। माननीय मंत्री जी का जिले में दौरा था तो ये हेल्थ एटीएम मंगाया गया था उस समय, क्योंकि इसका भुगतान विधायक निधि से होना था, तो माननीय विधायक अब्दुल राज ने इसका पैसा दिया, उन्हीं के क्षेत्र में उसको। तो वही आगरा के थाना शमशाबाद के लखुरानी गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान एक पक्ष की ओर से फायरिंग भी की गई जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद परिजनों ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया और घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद हुआ। जमीन विवाद में गोली कांड यहां नजर आया। उत्तर प्रदेश के आगरा की पूरी घटना बताई जा रही है। बलिया के बांसडीहा थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते एक झोपड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और करीब दर्जनों झोपड़ियां आग की चपेट में आ गईं।
वहीं आग की चपेट में आकर 8 साल का मासूम और एक राजमिस्त्री बुरी तरह झुलस गए। झोपड़ी में बंधे मवेशी भी गंभीर रूप से झुलस गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह आग पर काबू पाया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। गाजियाबाद के लोनी में गेहूं के खेत में आग लग गई। लोनी के बंथला गांव में यह आग बताई जा रही है। अज्ञात कारणों से लगी आग खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। खेत में करीब 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बंथला गांव के किसान प्रेम कुमार की गेहूं की फसल में भीषण आग लगी और काफी नुकसान हो गया। एक तरफ किसानों के ऊपर बेमौसम बारिश ने आफत मचा रखी थी, तो वहीं आग लगने की वजह से किसान बहुत आहत हुए हैं। वहीं आग लगने की सूचना लोगों ने पुलिस और प्रशासन को दी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगरे। से बीच खबरों का रुख कर लेते हैं। वंदे भारत ट्रेन संचालन के लिए तस्वीरें साफ हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अप्रैल को अजमेर से जयपुर होते हुए दिल्ली के लिए चलने वाली वंदे भारत का शुभारंभ करेंगे। कुछ ही देर में इस ट्रेन को पीएम हरी झंडी दिखाएंगे। ये प्रदेश की पहली हाई राइज ट्रेन है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे प्रदेश के लोगों को काफी लाभ होगा। ये देश की 13वीं वंदे भारत ट्रेन होने जा रही है। इस ट्रेन का पहला ट्रायल मंगलवार को हुआ था। अजमेर से जयपुर के बीच ट्रेन को चलाकर पूरी तरह से सिस्टम चेक किया गया था। इस ट्रेन को राजस्थान की जरूरत के अनुसार तैयार किया गया है। फिलहाल इसका ट्रायल रन में ठहराव अजमेर, जयपुर, रेवाड़ी और फिर दिल्ली रहा, लेकिन इसका वाणिज्यिक ठहराव कहाँ कहाँ रहता है ये देखने वाली बात होगी।